So I'm back with another video on this channel, jiska naam hai Know Your Booze, apni daru ke bare mein janiye. जब तक इस चैनल पे मोनेटाइजेशन शुरू नहीं होता तब तक हमें इसी गरीबी रेखा के अंदर वीडियोस बनाने पड़ेंगे, बट मुझे यकीन है कि आप लोग मुझे एक दिन आसमान की ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। तो आज जिस बियर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो 150 साल पुरानी है, मतलब इस बियर ने 2 वर्ल्ड वॉर देखी है, बर्थ एंड डेथ ऑफ माइकल जैक्सन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिछले 150 सालों में हो चुकी है, तो अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो मुझे दूसरा चैनल खोलना पड़ेगा, बट यही चैनल चल जाए वही काफ़ी है। कुत्तों की जिंदगी। तो इस बियर को बनाने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, बैरली, हॉप्स एंड वाटर। किसने सोचा था बियर बनाना इतना आसान होगा? किसने बनाया ये मुजस्मा? भाड़ में गया ये जॉब, मैं भी खुद का बियर कंपनी खोलूँगा। ये सिर्फ एक मजाक था, कृपया करके अपना जॉब छोड़ के बियर का कंपनी मत खोलिए, ये इतना भी सिंपल नहीं है। आई रिपीट, ये इतना भी सिंपल नहीं है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो ये एक वेगन बियर है, तो जितने भी शाकाहारी बेवड़े इस वीडियो को देख रहे हैं आप खुश हो जाइए और खुश होकर इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करते हैं 4th फैक्ट की, इस ऑफिशियल बियर ऑफ फॉर्मूला 1 एंड ये UEFA चैंपियंस लीग के भी मेजर स्पॉन्सर रह चुके हैं, तो जितने भी फुटबॉल फैन हैं उन्हें पता होगा। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने अपने बियर्स के लिए एक स्पेशल ईस्ट डेवलप किया है, आई मीन कैन यू इमेजिन। तो इन बैक्टीरियाज का काम है बियर्स के टेस्ट को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाना। तो इसी बात पे खोलते हैं बियर और शुरू करते हैं इसका रिव्यू। तो ज़्यादा खुश मत होइए, ये दोनों एक ही वेरियंट के बियर्स है। कैसा है थोड़ा सा, मतलब आप लोगों को भी वीडियो में अच्छी चीज़ें देखेंगे, आप भी लोग अच्छा देखेंगे वीडियोस में, तभी तो मुझे लाइक्स और रिव्यूज़ मिलेंगे। बाकी तुम साला अगर मैं एक बियर यहाँ पे लाता तो कौन देखने वाला था ये वीडियो। इसीलिए ये 2 बियर्स, सेम वेरिएंट, सेम बॉटल, सेम प्राइस। ओके, प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है पुणे में 195 रुपीज़। ये 650 ml का बॉटल है। अल्कोहल कंटेंट के बारे में बात करें तो less than 5% है, मतलब समझ जाइए यार। अब रेगुलर अगर आप ड्रिंकर है तो आपको 2 बियर्स तो लगेंगे आपको एक टाइम पे थोड़ा सा चढ़ने के लिए। तो खोलते हैं बियर, शुरुआत करते हैं। हाँ, तो बिना वक्त गवाए भरते हैं इसे ग्लास में। तो आप में से कुछ लोग ये लास्ट स्टिकर की तरफ नज़र दे रहे होंगे, ये कोई लोगो नहीं है, ना किसी कंपनी ने हमें स्पॉन्सर किया है। ये एक मैंने यहाँ पे एक मार्क बनाया, मैं उतना ही बियर डालता हूँ, तो मतलब ऐसा एक मार्क बनाने से आपको अनुमान लग जाता है कि ये मतलब ग्लास में कितना फॉर्म आने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं विदाउट एनी फॉर्म ये हमारा ग्लास भर चुका है। कलर के बारे में बात करेंगे। ओके, कलर के बारे में बात करें तो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर ब्राइट येलो कलर है, और वैसे आज इसके ऊपर फॉर्म नहीं बना, बट कभी कभी थोड़ा अगर आप कभी ग्लास भरेंगे तो उसमें से थोड़ा सा उसका जो कैप है, इसका जो हेड है वो हो जाता है और वो काफ़ी थिक रहता है। अरोमास की बात करें तो काफ़ी फेंट स्मेल है, इट्स लाइक बिस्किट एंड कॉर्न। ईजिली अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो जो वेट भीगे हुए जो ओट्स रहते हैं सेम, मतलब ऑलमोस्ट उसके ऐसा स्मेल है। ओके, जल्दी से बढ़ते हैं इसके टेस्ट की तरफ और बताते हैं आपको कि इसका टेस्ट कैसा है। ओके, मुझे एग्री करना पड़ेगा, जैसे इसका स्मेल था इसका टेस्ट भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। नॉर्मल बियर से कंपेयर करें तो इसका जो कड़वाहट है, इसका जो बिटरनेस है वो काफ़ी लो है, काफ़ी कम है। इसका जो माउथ फीलनेस है वो काफ़ी प्लेजेंट है, बट स्लाइटली इसका जो आफ्टर टेस्ट है वो काफ़ी अजीब सा है। अजीब सा मतलब अजीब सा इसका टेस्ट आ रहा है, बट वो इतना नोटिसेबल नहीं है बिकॉज उसका जो आफ्टर टेस्ट है वो अल्कोहल में फेंट हो जाता है। ओके, हैंगओवर की बात करें तो एज़ पर माई पर्सनल ओपिनियन, कभी कभी भी 2 या 3
बॉटल से ज़्यादा आप ये मत पिए, बिकॉज़ मैंने ऐसा पर्सनली नोटिस किया है कि अगर आप ये 2 बॉटल से ऊपर अगर मैं पीता हूँ तो इसमें मुझे काफ़ी एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, स्पेशली इसी बीयर्स के लिए। बाकी अगर अगर आपने भी कभी नोटिस की हो ये चीज़ तो कमेंट में मुझे बताइए। ओवरऑल रेटिंग के बारे में बात करूँ तो मैं इसे आउट ऑफ 5 4.2 का रेटिंग दूंगा, बिकॉज टेस्ट के हिसाब से इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसे आप कंपेयर करेंगे एज़ पर माई लिस्ट, मैं इसे बीरा बूम से अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो बीरा बूम का टेस्ट इससे स्लाइटली थोड़ा अच्छा है और इससे सस्ता भी है वो बोतल। उसका जो 650 ml का प्राइस है वो 160 या फिर 165 उसका प्राइस है पुणे में। तो दोनों को कंपेयर करूँगा तो मैं तो आई डेफिनेटली गो फॉर बीरा बूम। 2 hours later. अरे वीडियो ख़त्म हो गया सालो, अब क्या घर तक छोड़ने आओगे? जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जैसे या फिर आपके जैसे भी नहीं, अपने दोस्तों से, अपने बेवड़े दोस्तों से ये वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें भी बोलिए कि आगे और 3 लोगों को नहीं और 30 लोगों को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा डायलॉग रह गया, मेरा क्या डायलॉग था? ओके, पीते रहिए, पिलाते रहिए, चीयर्स।